जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि लाल मिर्च का उपाय होने जा रहा है। तो चुपचाप यहाँ पर दबा दे लाल मिर्च और आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, मतलब कि आपका जो शत्रु है दोस्तों, इतना निस्तनाबूद हो जाएगा, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही सुखी और समृद्ध होंगे। और दोस्तों, साथ ही में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुश रहते हैं तो आपका आत्मिक मनोबल बढ़ता है, और इससे आप अपने आत्मिक मनोबल बढ़ने से आप अपनी परेशानियों को खुद ही समाप्त कर सकते हैं। इतने आप काबिल बन जाते हैं कि आप अपनी परेशानियों का खुद ही सर्वनाश कर सकते हैं, खुद उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो लाल मिर्च का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ऐसा प्रयोग है जिससे कि आपके लाख शत्रु हों या हजार शत्रु हों, कितने भी शत्रु हों, उन शत्रुओं का नाश आपका हो जाएगा। दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं, शत्रु कैसे पैदा होते हैं? दोस्तों, शत्रु जो होते हैं वो कलयुग में ऐसे पैदा होते हैं। मान लीजिए कल तक हमारा कोई शत्रु नहीं था, लेकिन आज हमारी उन्नति हो गई है, आज हम बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, आज हमारी कोई अच्छी नौकरी लग गई है, आज हमारा कोई बिजनेस खुल गया है, आज हमारे बच्चे जो हैं वो भी अच्छी तरक्की करने लग गए हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि सामने वाले जो हमारे मेहमान होते हैं, मिलने वाले होते हैं, या फिर कोई रिश्ता रिश्तेदार जो कि हम पर जलता है, ईर्ष्या रखता है, या फिर हम जैसे मान लीजिए कहीं बाहर जाते हैं और हम किसी से मिलते हैं और वहाँ पर वो पूछता है कि भैया आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, और उनसे ज़्यादा हमारी बातचीत हो जाती है, तो वो भी हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जल सकते हैं, यदि उनका अच्छा नहीं हुआ तो। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है, अब पड़ोसी हमारे शुरू से अच्छे हैं मान लीजिए, और पड़ोसी अच्छे हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छे रहें। हो सकता है कि वो आपसे आगे, आप उनसे आगे निकल गए हों, आप अपनी तरक्की करने लग गए हों, तो और आपकी उन्नति होने लग गई हो। क्योंकि दोस्तों, लोगों की तरक्की तो होगी ना, यदि वो मेहनत करेंगे तो, यदि वो मेहनत करेंगे तो उनका फल जरूर मिलेगा। ठाकुर जी के चरणों में भी यदि माथा टिकाएंगे तो उनको उनका फल जरूर मिलेगा। तो उनसे चिन्हना नहीं चाहिए, उनसे जलना नहीं चाहिए। लेकिन शत्रु को कौन समझाए दोस्तों, शत्रु तो पीछे ही पड़ जाते हैं, शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं हमारे, हमें भी पता नहीं लगता हमारे शत्रु कौन है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो आपसे मिलने आता है और आपकी उन्नति देख करके वो जल जाए या ईर्ष्या करने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी उन्नति से जल रहा है, उसके आपकी उन्नति से चिढ़ रहा है। तो अब शत्रु गुप्त तरह के होते हैं, एक तो गुप्त तरह के और एक होते हैं बाहर से सामने से आक्रमण करने वाले। सामने से आक्रमण करने वाले शत्रु का तो दोस्तों में पता लगता है कि भाई ये शत्रु है, लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, बेहद ही चालाक होते हैं, उनका हमें पता नहीं लग पाता। हो सकता है आपकी थाली में आपके साथ ही भोजन कर रहा हो और आपसे ईर्ष्या करता हो, आपसे जलता हो। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु को पहचान भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं पहचानते, क्योंकि वो शत्रु भी ऐसा प्रिटेंड नहीं करते, यानी ऐसा अपने सामने वैसा दिखावा करते हैं कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके हितेशी हैं, लेकिन वो होते आपके शत्रु हैं। और ऐसे शत्रु कोई छोटी मोटी विद्या, छोटा मोटा जादू टोना टोटका नहीं करवाते दोस्तों, ऐसे शत्रु बहुत बड़ी बड़ी विद्याएँ करवाते हैं, तांत्रिकों के पास जा करके तो पूरा बर्बाद हो जाए, यहाँ तक कि जान तक भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, बसाई है, अब यदि कोई शत्रु आपसे जल गया और आप वो चाहता है कि इसकी प्रॉपर्टी में हथिया लूँ, तो दोस्तों प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं कई बार शत्रु। कई बार क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपके घर की जो इज्जत है, आपके घर की जो महिलाएं हैं, उन पर भी बुरी नज़र डालते हैं। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो बहुत बेहद ही खतरनाक होते हैं, और इन शत्रुओं से बचने का उपाय हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। छाती में दोस्तों, इन शत्रुओं से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आप पर कोई पाप करता है, आप पर कोई जुल्म करता है और ज़बरदस्ती आप पर कोई शत्रुता करता है, तो उसका जवाब भी आपको शत्रुता से ही देना चाहिए। क्योंकि शत्रु कभी भी किसी का सगा नहीं होता, और यदि किसी ने आपसे शत्रुता कर ली तो वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा, वो हमेशा ही आपसे शत्रुता करता ही रहेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कौरवों की सेना समाप्त कर दी थी, क्योंकि कौरव पांडवों के शत्रु बन गए थे और भगवान श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा करनी थी, इस कारण से उन्होंने कौरवों का सर्वनाश कर दिया। तो यही सीख हमें मिलती है हमारे जीवन में कि यदि हम पर कोई हाथ उठाए तो फिर हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें भी उसको खत्म करने की सोचना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला उपाय आज होने जा रहा है जो कि लाल मिर्च का होने जा रहा है। इस उपाय को आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप कर सकते हैं। अब इस उपाय को आप कैसे करेंगे तो वो आप समझ लीजिए दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 से 7 लाल मिर्च लेकर, यानी कि आपको या तो 5 लें या 7 लाल मिर्च लें। दोस्तों, लाल मिर्च
आसानी से घर की किचन में मिल जाती है, घर की किचन में उपलब्ध हो जाती है। आप कोई सी भी लाल मिर्च ले सकते हैं, लेकिन जो पीछे डंडी वाली लाल मिर्च होती है वही आपको लेनी है, जिसमें हरी हरी डंडी पीछे रहती है वो लाल मिर्च आपको लेनी है। बिना डंडी वाली लाल मिर्च आप नहीं लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाल मिर्च 5 या 7 लाल मिर्च जो कि किचन में मिल जाती है आप ले लीजिए। यदि किचन में आपके पीसी भी लाल मिर्ची है और वो साबुत लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप बाज़ार से भी इसको परचेस कर सकते हैं। 5 से 7 लाल मिर्च लेकर के आपको घर के बाहर जाना है, आपको घर के अंदर ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है दोस्तों, घर के अंदर बिल्कुल भी इस उपाय को नहीं करें, घर के बाहर जा करके ही ये उपाय करें, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक उपाय होने जा रहा है। इसलिए इस उपाय से शत्रु की तो बिल्कुल हानि हो जाएगी, क्या पता शत्रु मर भी जाए। तो दोस्तों आपको ये बाहर जाना है, बाहर ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर मिट्टी हो। जी हाँ दोस्तों, आपको मिट्टी की इसमें जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत इसमें पड़ेगी। तो ऐसे निर्जन स्थान पर आपको जाना है जहां आपको कोई रोके टोके नहीं, और ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहां पर आपको मिट्टी मिल जाए। दूसरा, आपको फैमिली में ये ध्यान ये कह के रखना है कि हाँ ये उपाय आप करने जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको कोई भी जाते समय, जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं उपाय करते समय और आपको किसी ने टोक दिया, किसी बच्चे ने टोक दिया, या फिर किसी आपके हस्बैंड ने टोक दिया, आपकी सास ने टोक दिया, किसी ने भी टोक दिया, तो ये उपाय आपका कारगर सिद्ध नहीं होगा। इसलिए घर में सभी को बता करके रखें कि मैं मंगलवार शनिवार को इस तरह का उपाय करूंगा या करूंगी, तो फिर वो आपको टोकेंगे नहीं। तो आप उनको बता के रखें कि प्लीज मुझे मत टोकना, मैं जाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं जाऊंगा इस उपाय को करने। बस अब आप क्या करें, अब आप बाहर निकल जाएं, घर से बाहर निकल के आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, मंगलवार की सुबह कर सकते हैं, है ना। घर से बाहर निकल कर के आप चले जाएं और ऐसे स्थान पर जाएं, जैसे आप गार्डन में भी जा सकते हैं ना, वहाँ भी मिट्टी होती है, या फिर किसी निर्जन स्थान पर जा सकते हैं जहाँ पर मिट्टी हो लेकिन वो सेफ हो, ऐसी जगह जाना, ठीक है, जहाँ पर भी सेफ हो। अब आप इसके अपने साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भी ले जाएं जिससे आप मिट्टी खोद सकें थोड़ी सी, क्योंकि आपको वहाँ थोड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा मिट्टी में, ठीक है। तो आप इसी चीज़ ले जाएं जिससे कि आप मिट्टी खोद सकें। अब आपको वहाँ क्या करना है, अब आप सबसे पहले तो गड्ढा खोद लीजिए, जितनी आप 5 मिर्ची या 7 मिर्ची उसमें आ जाए आराम से, इतना गड्ढा आपको खोद लेना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको अपने ऊपर से शत्रु का नाम लेते हुए 5 बार शत्रु का नाम लेते हुए आपको 5 बार अपने ऊपर से मिर्ची को उसार लेना है, मिर्ची को घुमा देना है। कई लोग इसे उसारना बोलते हैं, कई लोग इसे घुमाना बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। समझने के हिसाब से आप इसको अपने ऊपर उसार लीजिए, पाँच बार शत्रु का नाम आपको लेना है, और शत्रु का नाम लेते हुए आप इसको अपने लाल मिर्च को अपने ऊपर से उसार लीजिए, घुमा लीजिए। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसको घुमाना है, और घुमा करके 5 बार नाम लेकर के आप इस मिर्ची को गड्ढे में डाल दें। गड्ढे में इस मिर्ची को डालने के बाद गड्ढे को पूरी तरह से आप बंद कर दें, और गड्ढे को पूरी तरह से बंद करने के बाद गड्ढे को इस तरह से बंद करना है दोस्तों कि आपको ये मिर्ची जो है ना ये किसी को भी दिखाई नहीं दे। इस तरह से गड्ढे को बंद करना है, और उस पर आपको एक पत्थर रख देना है, कहीं भी इधर उधर से कहीं पत्थर पड़ा हो तो छोटा मोटा पत्थर आप उसको रख दें, ताकि उसको कोई खोद नहीं पाए, क्योंकि आपके जानने के बाद यदि कोई जानवर ने इसको खोद लिया तो फिर आपका टोटका जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई पत्थर वत्थर या कुछ ऐसी चीज़ भारी चीज़ पर रख दें ताकि इसको कोई खोद नहीं पाए। 24 घंटे तक कोई नहीं खोद पाए तो अपना काम शुरू कर देगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको घूम करके वापस से अपने घर पे आ जाना है। घर पे आने के पहले तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, रास्ते में भी कोई मिल जाता है तो किसी से कुछ नहीं बोलना है, सीधे आपको घर आ जाना है। घर आ करके आप हाथ मुंह धो लें, या नहाना चाहें तो नहा सकते हैं, उसके बाद आप किसी से बोलें। घर आकर भी आप किसी से नहीं बोलें, नहाने धोने के बाद ही बोलें, है ना, या फिर हाथ मुंह वगैरह धोने के बाद ही आप किसी से बात करें, और फिर आप अपना दिन भर नित्य कर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों इस उपाय को कितने दिन तक करना है, तो इस उपाय को करना है आपको 3 मंगलवार तक लगातार इस उपाय को करें। और साथ ही में जिस शत्रु के लिए उपाय करा है, मान लीजिए शत्रु का नाम आपने लिया था, जिस शत्रु का नाम आपने पहले मंगलवार को लिया था, तो दूसरे तीसरे मंगलवार को भी उसी शत्रु का नाम आपको लेना है और इस उपाय को कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपका क्या होगा कि इससे आपके जो शत्रु है, जिसका नाम आपने लिया था, जिसका नाम लेकर के आपने मिर्ची इसमें गाड़ी थी, तो दोस्तों उस शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वह आप पर कुछ किया कराया करवाने लायक ही नहीं रहेगा, है ना। उसकी सारी धन संपत्ति, सुख संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा,
वो आप पर ध्यान देना छोड़ देगा और वो खुद पर ध्यान देने लग जाएगा, क्योंकि उसकी जो सारी पावर है, सारी शक्ति है, वो तो हमने खत्म कर दी। क्योंकि जो शत्रु होता है ना, या कोई भी इंसान होता है, उसकी पावर होती है उसकी धन और संपदा। यदि हम उसकी धन और संपदा खत्म कर दें तो फिर वो टेंशन में आ जाता है और वो अपने बारे में ही सोचने लग जाता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो आप पर से उसका ध्यान हट जाएगा और आप अपनी तरक्की में मस्त हो जाना। तो दोस्तों, इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है। यदि उपाय अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक आपको दिया है, दो तीन लिंक हमने आपको दिए हैं रुद्राक्ष के लिए और बालाजी के। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं, बालाजी की मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बालाजी की मूर्ति होने जा रही है, आप इसको मंगवा भी सकते हैं दोस्तों। बालाजी की तस्वीर भी है और एक लिंक में हमने रुद्राक्ष भी दिया है कि जैसे कि रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष किस तरह का होता है। स्फटिक की माला यदि आप लेना चाहें तो स्फटिक की माला भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्फटिक की माला यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार।